ब्यूटीफुल लवलीज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल इज मम्पीज ब्यूटीफुल एंड आई एम योर मम्पी। और मैं आज दिखाने वाली हूँ ट्रेंड्स शॉपिंग हॉल, एक छोटा सा मिनी हॉल है और मैंने क्या क्या परचेस किया है और इसके साथ एक ट्रेंड हॉल भी है। मैं ट्रेंड भी दिखाने वाली हूँ, कौन कैसा लग रहा है किसी ड्रेस पे आप लोग खुद ही देख लीजिए। और यहाँ पे देखिए, दिस आर ऑल, सॉरी, दीज आर ऑल द प्रोडक्ट्स विच आई परचेज फ्रॉम देयर ट्रेंड्स एंड मोर ओवर दैट मुझे वहाँ पे एक गिफ्ट भी मिला था। आई विल शो यू अप दैट, ये दिस इज माई गिफ्ट और मेरे परचेजिंग पे ये मुझे मिला है 200 रुपीज का, दैट इज 199 रुपीज का, जिसका MRP प्राइस है 1675। दिस इज रियली वेरी ब्यूटिफुल, मुझे ये वाला गिफ्ट बहुत ही पसंद आया। ये देखिए, ये वाला गिफ्ट मुझे मिला था और हम लोगों के यहाँ पे, मैं यहाँ पे जहाँ पे रहती हूँ सो वहाँ पे ट्रेंड्स नया नया खुला है, एकदम 1 month भी नहीं हुआ है, बहुत ही नया है। तो यहाँ पे मैं गई थी, यहाँ पे स्पेशल कुछ ऑफ़र भी थे, उस ऑफ़र के चलते मुझे ये वाला मिला था। और उन लोगों ने, पता है मैंने ना एक गलती कर ली, दे टेक माय पिक्चर विथ द गिफ्ट एज आई एम द फर्स्ट कस्टमर हु गिफ्टेड बाय देम। और मुझे लग रहा था, इवन मुझे तब जाके रियलाइज़ हुआ जब मैं आ गई, घर पहुंच गई, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे भी बोलना चाहिए था उन लोगों को कि मेरे फ़ोन से भी एक पिक्चर ले ले कि मैं अपने ही वीडियोस में डाल सकूं, बट मैं भूल गई, कुछ कर नहीं सकते। सो और बहुत बड़ा नहीं है, कलेक्शन भी बहुत बिग नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा है जो कलेक्शन दे, जो कलेक्शन वहाँ पे उन लोगों ने वहाँ पे रखा हुआ है वो बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा शॉपिंग एक्सपीरियंस अच्छा था। मोर ओवर दैट अभी मैंने क्या क्या परचेज किया है वो मैं दिखा रही हूँ। और यहाँ पे एक पहले बोलना चाहती हूँ, मैंने अपने हस्बैंड के लिए भी एक टी शर्ट परचेज किया था, मैं उसका एक क्लिपिंग डाल दूंगी विथ द ट्रायन हॉल, लेकिन मतलब वो आज पहन के चले गए सुबह, इसलिए मैं अभी यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर पा रही हूँ। सो फर्स्ट मैं स्टार्ट करती हूँ जो सबसे लो प्राइस में है, बट आई लव इट वेरी मच। एज देखिए, ये है, मैंने एक टी शर्ट बाई किया है मेरे लिए, ये मुझे बहुत ही समर अप्रूव्ड लगा, बहुत ही सुंदर, देखिए इसका कलर है, मैं ब्लैक कैप्री या तो फिर रेड या तो फिर जो भी जैसा भी कलर के साथ क्यों ना पहनो, इट्स लुक सो वेरी नाइस, एकदम समर अप्रोप्रिएट है और कपड़ा भी बहुत अच्छा है। और मैंने जो भी आज परचेज किया है ना मेरे लिए, सब कुछ ही इन द साइज ऑफ M है। इसका मैंने कोई भी ट्राई ऑन नहीं दिखाया है, नॉर्मल सा टी शर्ट है इसीलिए। देन आफ्टर मैंने, देखिए ये एक मजेंडा कलर का, बहुत ही प्यारा सा कलर है, मजेंडा कलर का ये कुर्ती मैंने परचेज करा है। देखिए गले में ऐसे ऐसे राउंड होके यहाँ पे वी शेप है, लेकिन एकदम यहाँ तक आता है, ज़्यादा आता नहीं है, ज़्यादा कट नहीं है। और पीछे का बैक साइड जो है ना वो ऐसा कॉलर शेप का है। थोड़ा सा फ्लेयर है इसमें, और बैक साइड जो है उसमें भी ये गोल्डन कलर का फॉइल प्रिंट से बना हुआ है, सेम डिजाइन, ऐसा नहीं कि बैक साइड जो है वो ब्लैंक है, पूरा डिजाइन किया हुआ है। ओवरऑल द कुर्ती सो वेरी ब्यूटीफुल। आप ट्रायड हॉल में देख ही पा रहे हो मुझे पहन के कैसा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत है ये वाला कुर्ती और कलर इज जस्ट ऑसम है।
देखिए यहाँ पे पूरा एम्ब्रॉयडरी का काम किया हुआ है। साथ में यहाँ पे जो है ना ये कोई जरी भी नहीं है और फॉल प्रिंट का नहीं है, ये धागे से ये काम किया हुआ है, गोल्डन धागे से। और ये चीज़ ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। नेक्स्ट मैंने परचेज किया है ये रेड वाला कुर्ती, ये भी गोल्डन फॉल प्रिंट का है। और ये जो फॉल प्रिंट है ना ये जाएगा नहीं, क्योंकि मैंने ऐसा ही फॉल प्रिंट वाला, ये देखिए मैंने ऐसा फॉल प्रिंट वाला पहले भी पहना हुआ है, इवन ट्रेंड से ही पहना हुआ है। सो मुझे पता है ये जाएगा नहीं। इसका भी थोड़ा सा सेम ही है, यहाँ पे देखिए ऐसे राउंड होके आके यहाँ पे थोड़ा सा वी शेप का है और इस पर ऊपर में 1, 2, 3, 4 बटन्स दिए हुए हैं गोल्डन कलर के। इसमें से एक फंक्शनल है, पहले वाला फंक्शनल है, और बाकी जो तीन है वो सिर्फ जस्ट पेस्टिंग है, वो फंक्शनल नहीं है। एंड द कुर्ती इज लाइक दिस। इस पे भी थोड़ा सा घेरा है और नीचे का साइड जो है ना इसका थोड़ा सा डिफर है। नीचे का साइड में आप देखिए ऊपर फ्रंट वाला हिस्सा थोड़ा सा अप है और बैक वाला हिस्सा थोड़ा सा डाउन में दिया हुआ है, और इसका बैक साइड में भी ऑल ओवर काम किया हुआ है। बैक साइड इसका प्लेन नहीं है। ये जो कुर्ती है ना ये वहां पे मैनीक्विन में पहना हुआ था, उसके साथ पेयर अप किया था ये बॉटल ग्रीन वाला सिगरेट पैंट बोल सकते हो आप लोग, उस टाइप का एक मतलब ट्राउजर से पहना गया था और मुझे ना देखे बहुत अच्छा लगा। सो वही सेट ही मैं ली हूँ। और ये देखिए दिस इज द पैंट, ये भी एम साइज का ही है। और इसका ना मुझे एक चीज बहुत अच्छा लगा, इसमें भी फॉल प्रिंट किया हुआ है। इसका सामने देखिए ऐसे है स्ट्रेट एंड पीछे का इसका इलास्टिक दिया हुआ है, बहुत सुंदर है। ये एंकल लेंथ में आया है। नेक्स्ट है जीत का एक्चुअली ग्रीन और ब्लू फेवरेट है, तो मैंने एक ग्रीन में एक ब्लू में उसको दिया था ऑप्शन। तो मैंने बोला था बच्चा आपको कौन सा वाला चाहिए आप चूज कर लो, तो ही चूजन बाय दिस ग्रीन वन। ये भी एक बॉटल ग्रीन का टी शर्ट है और देखिए इस पे थोड़ा सा यहाँ पे भी डिजाइन किया हुआ है। आप ट्राई ऑन हॉल में देख ही सकते हो जीतू जी इतना अच्छे से ट्राई ऑन हॉल दिया है ना, जस्ट लुकिंग ऑसम, दे लुक ऑसम। और दिस इज फॉर ऋषि, ये बहुत ही प्यारा सा एक हुडी वाला, एकदम प्योर कॉटन का एक टी शर्ट है जो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने ऐसा जीत के लिए ढूंढा था लेकिन मुझे मिला नहीं साइज में, देखिए। और ये कलर जो है ना ये भी गर्मी के लिए एकदम एप्रोप्रिएट है। यहाँ पे नीचे थोड़ा सा एक देखिए पॉकेट जैसा दिया है। ओवरऑल दिस इज सो वेरी कूलिंग, मतलब बहुत ही अच्छा लगा मुझे। यहाँ पे तीन ऊट से बना हुआ बटन्स है, तीनों फंक्शनल है। एंड लास्टली मेरा हस्बैंड का ये वाला टी शर्ट मैंने खरीदा है, ब्लैक वाला, जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और ये है वो टी शर्ट जो मैंने अपने हबी के लिए खरीदा है।
और दैट्स इट अभी के लिए, बस इतना ही। आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आई लव ब्यूटीफुल, लव ब्यूटीफुल।